अच्छा फिर खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा एहतियात से। एहतियात ही रखूंगा, अभी इस उम्र में बेहतियाती करने की जरूरत कहाँ है मेरे पास। चलो मम्मी, आई हेट यू एंड आई डोंट लाइक यू। You're the most irresponsible woman I've ever come across. Nothing and nobody can make you happy. I'm very lucky to have a wife like Dhruv Shavar. बेशक भाभी जैसी औरतें बहुत कम हैं। मंसूर के साथ रहकर भी भाभी की आदतें खराब नहीं हुई, बड़ी हैरानगी की बात है। वाकई हैरानी की बात तो है। जेंटलमैन एक बात है कि भाभी ने मंसूर को सीधा कर दिया है वैसे। भाई सीधा तुम्हें पहले था, उसने मुझे सीधा रहने ही नहीं दिया। भाई मेरी बेगम तो हर वक्त मुझे ताने देती रहती है। मंसूर की बीवी बहुत खुशकिस्मत है जिसे मंसूर जैसा मियां मिला, जो उसे हर वक्त सराहता रहता। क्या जमाना आना था कि मंसूर की मिसालें दी जाएं? मिसाल मंसूर की नहीं, मिसाल दुर्र शावार की देनी चाहिए। कभी कोई काम भी कर लिया करो, आधा दिन गुजर जाता तुम्हारा रोमांटिक मैसेजेस में। फर्क को कोई काम नहीं है तुम्हें मैसेजेस भेजने के अलावा? मुझे भी यही लगता है, उसको और कोई काम नहीं है ऑफिस में। हैरानी होती है वैसे, हैदर तुम्हें सारा दिन में कोई मैसेज कोई कॉल नहीं करता। फातिमा जब शादी को 7 साल गुजर जाए ना तो मैसेजेस सिर्फ इमरजेंसी या काम की सूरत में आते हैं। जरूरी नहीं है, मेरी बहन की शादी को 15 साल हो गए, 50 मैसेजेस तो वो एक दूसरे को भेज ही देते हैं दिन में। वैसे तुम्हारी तो लव मैरिज थी। बहुत लकी है तुम्हारी बहन। मैं भी मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश करता फिर रहा हूं, तुम यहां बैठी हो। बस मैं उठने ही वाली थी, आप जल्दी आ गए। हाँ मैं जरा जल्दी निकल आया। तुम क्या कर रही थी? कुछ पुरानी चीजें देख रही थी। कौन सी पुरानी चीजें? कुछ कीमती चीजें।